साथियों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय पासी जी के पास में, और इनका टिकट क्लियर था जो है विधानसभा चुनाव से, नाम भी आया था एक टीवी चैनल पे, और कुछ कारणों द्वारा जो है इनका टिकट कट गया और एक प्रत्याशी को घोषित कर दिया गया है। और जो हमारे साथ में उपस्थित है, हम जानेंगे क्या कारण रहा टिकट कटने का, क्या कहते हैं सर, बात करेंगे, क्या कहेंगे सर? आदरणीय बहन जी ने टिकट के विषय में तो 4 साल पहले हम लोगों को बुला करके कहा था कि टिकट अजय पासी तेरा नहीं कटेगा, तू मेहनत कर। तो हमने मेहनत भी किया, जहाँ लगाते थे वहाँ काम करते थे, और आज भी जो है उम्मीद थी कि टिकट हमारे नेता हमको देंगे। लेकिन जो इलाहाबाद मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं अशोक गौतम जैसे हिटलर शाही, तानाशाही, अहंकार, यानी कि इस तरह की, जैसे कि बहन जी भी उस तरह नहीं करते हैं, जो अशोक गौतम यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ करता है और पार्टी के साथ करता है, और टिकट डमी कैंडिडेट के रूप में दूसरे पार्टी के प्रत्याशी से मिल करके एक डमी कैंडिडेट उतारा गया जो कि नैनिक अर्चनक है, और सुराग हमारी जनता आपकी बाहरी प्रत्याशी नहीं पसंद कर रही है। 4 बार से प्रत्याशी बाहरी यहाँ जीते, मुड़ कर नहीं देखे, तो इधर जो है सुराव की जनता में बड़ा आक्रोश है कि अब की बार बाहरी नहीं, अब की बार लोकल हम जिताएंगे। अजय पासी आप आइए मैदान में, हम आपके साथ हैं, और हमें उम्मीद था कि पार्टी से मिलेगा टिकट, लेकिन इधर अशोक गौतम द्वारा जो है टिकट मेरा कटा दिया गया। एक कोऑर्डिनेटर जहां भी रहेगा, हम तो शराब देते हैं कार्यकर्ताओं की ओर से भी, बड़ा कठोर इसने जो चाल चला और अहंकार दिखाया, पार्टी काम जो कर रहा है एक गलत संदेश जा रहा है, ये पूरे बूथ सेक्टर कमेटी से लेकर पूरे मंडल में कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि अशोक गौतम यहाँ से हटारा जाए, न इसके नेतृत्व में धाराशाही हो जाएगी, एक भी सीट नहीं निकलेगी, ये हमारा कहना है। लगातार जो है अशोक गौतम पर जो है लोग विरोध कर रहे हैं, और अभी 24 दिसंबर को जो है सतीश चंद्र मिश्रा भी आए थे, उनके जनसभा में जो है उनके मुर्दाबाद के नारे लगे थे, और आपका भी आरोप है टिकट कटने का आरोप है, क्या कहेंगे? भाई मिश्रा जी आए थे यहाँ पे, जो है टिकट जितने घोषित किए गए हैं सब डमी के रूप में किए गए हैं, दूसरे पार्टी से मिल करके टिकट पाए हैं, और अशोक गौतम जो है डमी के रूप में सब उतारा है, और सतीश चंद्र मिश्रा को गुमराह करके घोषणा करवाया है, और कोई न कार्यकर्ता उसमें कोई है और न तो पार्टी कोई है, सब बाहरी आकर के पैसे के दम पे जो है चम्मचगिरी दिखाने काम अशोक गौतम ने किया है। तो मैं तो यही कहूँगा बहन जी को कि इसके नेतृत्व में अशोक गौतम के एक भी सीट नहीं निकलेगी बहन जी, इसको आप पता करवा लीजिए कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, जांच करवा लीजिए कि अशोक गौतम कितना अत्याचार कर रहा है, इसको आप ध्यान दीजिए, नहीं सारा सत्यानाश कर देगा। 22 में एक भी सीट इलाहाबाद में नहीं निकलेगी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, ये पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं दर्द है। मैं जब आपके जिला अध्यक्ष पद में नेतृत्व में 12 सीट पर जो विधानसभा 12 है इलाहाबाद में, 11 सीट जीत हुई थी, क्या कहें उसके बारे में? हाँ बहन जी का आदेश था, मानवर कांशीराम का आदेश था, हम लोग मानते थे, मानने वाले थे, कार्यकर्ता मानता था, एक दूसरे का सम्मान देता था, सब पदाधिकारी कार्यकर्ता एक समान रहते थे, लेकिन अब तो यहाँ पे ये बड़ा परिवर्तन हो गया है, बड़ा अहंकार हो गए हैं जो मंडल के कोऑर्डिनेटर है अशोक गौतम, किसी का सम्मान नहीं देता है, सिर्फ पैसा की उसूलने काम करता है, एक अभियान, पार्टी रहे चाहे भाड़ में जाए, अब बहन जी रहें चाहे भाड़ में जाए, इसका एक लक्ष्य है, इसका एक अभियान है, इसको गुमराह करके बहन जी के यहाँ जो कोटि बैठे हुए हैं, गुमराह करके जो है अपना पोज बनाए रखा है, बहन जी इस बात को अगर सुनती हैं, ध्यान देती हैं, जांच करवा लें, अगर मेरी गलत हो तो जो चोर सजा वो सजा हमें मिलनी चाहिए,
पूरे कार्यकर्ताओं की आवाज़ में बोल रहा हूँ बहन जी, इसलिए कि अशोक गौतम बड़ा धराशाही कर दिया है। इलाहाबाद जनपद में एक भी कार्यकर्ता न टिकट पाया है, एक भी कार्यकर्ता न सम्मान पाया है, इसके रहते सब दुखी हैं, सब कार्यकर्ता उपेक्षित हैं, बड़ा तानाशाही कर रखा है अहंकार दिखा करके। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि आप जांच करवा लें, इसको हटाने काम करें, नहीं सब एक भी सीट नहीं निकलेगी। आपका टिकट काट दिया गया है, आप विधानसभा चेंज करेंगे या पार्टी चेंज करेंगे या चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, आपकी रणनीति क्या है आगे की? हमारी रणनीति जो पहले थी वो आज भी है, बहुजन समाज पार्टी में बहन जी का आदेश से, लेकिन कोऑर्डिनेटर द्वारा जब टिकट मेरा काटा गया तो अब मुझे निर्दलीय चाहे लड़ना पड़ेगा, लड़ूंगा जरूर सुराव से, इसलिए हमारी जनता हमारे साथ है और जनता के बीच में मैं रहा हूं और आज भी जनता के ऊपर हमें भरोसा विश्वास है कि जरूर जनता हमारी पूरा मदद करेगी, साथ देगी अंतिम क्षण तक। आप जो है बीएसपी में कब आए और कैसे क्या हुआ, कब जिला अध्यक्ष बनने में जाना चाहते थे? बीएसपी में तो मैं 15 साल का था, तभी बूथ गठन किया, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, लोकसभा पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष बना, 4 साल रहा और बाखूबी निभाया, जो कि चर्चितों में इलाहाबाद के इतिहास रच दिया कि मैंने जो अपने जिलाध्यक्ष में काम किया वो आज तक कोई जिलाध्यक्ष न काम कर पाया न कर पाएगा। हमने पार्टी के हित में काम किया, बहन जी का आदेश का पालन किया, मन और कांशु राम के आदेशों का पालन किया, कार्यकर्ताओं को बात को मैंने माना और उनकी बात पे हमने चला, कभी हमने किसी उपेक्षित नहीं किया, सबको जोड़कर चला, सर्व समाज को जोड़कर चला। आवाज़ जितने जिला अध्यक्ष हैं आप नाप तौर करवा लीजिए, जरूर अजय पासी नाम आएगा नंबर एक पे। तो हमने गद्दारी काम नहीं किया, धोखेदारी काम नहीं किया, 11 विधायक जिताया था जब मैं जिला अध्यक्ष था, तो इसलिए बड़ा उम्मीद था कि बहन जी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेटरों को बना करके सत्यानाश करवा दे रही हैं, जो कि जमीनी कार्यकर्ता खसक रहा है। बहन जी आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा और जमीन पे आप जाँच करवा लें कार्यकर्ताओं द्वारा। आप जो है 2002 से और 2005 के बीच में जिलाध्यक्ष रहे, उसके बाद जो है और भी पार्टियों में ज्वाइन जुड़े और भी पार्टियों से चुनाव लड़े, क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, 2012 में हमारा टिकट काट दिया गया, सुराव से मैंने काम किया था, मेहनत किया था, हम यहाँ हकदार थे, तिलिया के दूसरे के यहाँ कुदा दिया गया, तो इसलिए हमें जो है लड़ना पड़ा। जो है तो आप जो है अब सीधा बहन जी से क्यों नहीं मिलते टिकट के लिए? अब बहन जी से मिलने नहीं दिया जाता, जब कोठी पे हैं वो लोग कहते फला कोऑर्डिनेटर से मिलो, फला कोऑर्डिनेटर से, तो कहाँ नॉन सत वाला की हेरत रही, मिलत रही, कैसी मिलत रही, जब मिल ही नहीं देता है, मिलने नहीं दिया जा रहा है कि बहन जी से मिल लेगी तो सारी पोल खुल जाएगी। तो हम लोग तो साफ पार करता है ना, हम लोग मेहनत करके चले थे, संघर्ष किए थे। हा? तो वो कौन लोग हैं जो मिलने नहीं देते हैं, क्या आप बता पाएंगे? हाँ, अब अशोक गौतम जो समझा देता है, चम्मचगिरी दिखाता है, वहाँ कोठी जो बैठे हुई हैं बहन जी के, मिलने नहीं दिया जाता है, तो कार्यकर्ता किससे मिलेगा? जब यही लोग नवाबी चलाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी का किस बात का रह गई, अब कोई नहीं बहुजन। अब आपको जो है चुनाव बछरावा से भी लड़ाया गया था, क्या? हाँ, 2007 में बछरावा से बहन जी का आशीर्वाद मिला था, लड़े थे और जब हमारे यहाँ रिजर्व हुई 2012 से, तब से टिकट मेरा काट दिया जाता है, जब चुनाव आएगा तब टिकट काट दिया जाएगा। इस बार तो 4 साल पहले बहन जी ने हमें बुला के दिया था टिकट, कहा था टिकट तेरा पक्का रहेगा, चुनाव वहीं लड़ेगा। अब आ गया तो कोऑर्डिनेटर अशोक गौतम जो है गुमराह करके कटवा दिया और चम्मचगिरों से अपना जेब गर्म कर लिया और बाहर वाले के लिए कर दिया। हाँ, और जो कि रास्ता ना जाने कहाँ किधर कौन गांव है, कौन रास्ता है, किधर है, 35-36 साल से मैं काम किया तो इस तरह मेरे साथ किया जा रहा है। आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता, लोग कहते हैं। अब स्वास्थ्य भाई हमारा गड़बड़ था, अब सही है, अब क्षेत्र में जाने लगा हूँ, घूमने लगा हूँ, आपके सामने हूँ, देख लीजिए मेरा स्वास्थ्य।
ये तो चम्मच गिरोह ने हल्ला मचवाते हैं, गुमराह करवाते हैं कि जो उन्हें डमी कैंडिडेट को उतार दिया जाए, प्रत्याशी दूसरे पार्टी से पैसा हमें मिल जाए, हमारा जेबा गर्म हो जाए। अब अजय पासी से डर लगता है, इसलिए है ये तो जीत जाएगा, पा जाएगा टिकट। तो इसलिए जनता आखिरी क्षेत्र जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे क्या कहेंगे आखिरी सवाल? नए साल की हम अपने सुरांग क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि 2022 में हम अब मैदान में आएंगे, जनता हमारे साथ रहेगी और समस्त क्षेत्रवासियों को हम बधाई देते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ में पूर्व जिलाध्यक्ष अजय पासी जी मौजूद थे और विधानसभा सुराव से सुरक्षित सीट से प्रबल दावेदार है और उनका टिकट काट दिया गया था और टिकट के लगे अगर टिकट मिलता है तब भी चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं मिलता है तब भी चुनाव